सेवू ब्लू पोथोस और ये भी सेवू ब्लू पोथोस है। दोनों प्लांट सेम वैरायटी के हैं बट दोनों की लीव्स के स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस है। एक प्लांट की लीव बहुत बड़ी है, उसमें बहुत ज़्यादा फेनेस्ट्रेशन है, दूसरे प्लांट की लीव बहुत छोटी है, उसमें अभी कोई फेनेस्ट्रेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स, जब दोनों प्लांट सेम वैरायटी के हैं तो इनकी लीव्स के स्ट्रक्चर में इतना डिफरेंस आया कैसे, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजेश्वरी और मैं रहती हूँ दुबई में मेरी फैमिली के साथ। मैंने मेरे 1 BHK अपार्टमेंट में बनाया है एक क्यूट सा इंडोर गार्डन, जिसमें मेरे पास है 140+ इंडोर हाउस प्लांट्स और उन्हीं से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको भी मेरी तरह इंडोर प्लांट्स का शौक है और आप भी अपने घर में क्रिएट करना चाहते हैं एक क्यूट सा इंडोर कॉर्नर, बट आपको नहीं पता कौन से प्लांट्स हैं बिगनर्स फ्रेंडली, प्लांट्स की केयर कैसे करनी है, कितना पानी देना है, कितनी धूप देनी है, तो इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको मेरे वीडियोज़ में। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और जुड़ जाइए मेरे साथ मेरी इस ग्रीन जर्नी में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने प्लांट्स की लीव्स का साइज कैसे बड़ा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मनी प्लांट तो मोस्टली हम सबके पास होते ही हैं और हम उसको दो तरीके से अपने घर में रखते हैं, या तो हम उसको हैंगिंग पॉट्स में रखते हैं या उसको सपोर्ट देते हैं मॉस पोल का। फ्रेंड्स, जब हम प्लांट को हैंग करके रखते हैं तो उनकी लीव्स का साइज बड़ा करना मुश्किल है, उनकी लीव्स का साइज बड़ा नहीं होगा। लीव्स का साइज तभी बड़ा होता है जब हम उनको किसी चीज़ का सपोर्ट देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यही कि हम कैसे प्लांट्स की लीव्स का साइज बड़ा कर सकते हैं, हमें उनके लिए कौन सा मीडियम यूज़ करना चाहिए, कौन सा मीडियम है जो मेरे प्लांट्स के लिए बेस्ट काम करता है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो देखिएगा एंड तक, ये होगा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ 4 ऐसे प्लांट्स जिनकी लीव्स के साइज में डिफरेंस दिख रहा है जब से मैंने ये मीडियम यूज़ करना शुरू किया है। मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाने वाली हूं। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो देखिएगा एंड तक, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारे प्लांट्स लगाते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला प्लांट जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है स्नो क्वीन पोथोस। ये प्लांट मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है 10 वैरायटीज ऑफ पोथोस वाले वीडियो में, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि आपको इस प्लांट की केयर कैसे करनी है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही प्यारी और यूनिक वैरायटी है पोथोस की। अगर आपको ये वैरायटी मिलती है तो आप इसे ज़रूर ऐड कीजिए आपके प्लांट कलेक्शन में। जब ये प्लांट मैंने लिया था फ्रेंड्स, तो इसकी लीव्स का साइज कुछ ऐसा था, बहुत ही छोटी लीव्स थी। ये प्लांट मॉस पोल पर ही आया था, जो रेगुलर मॉस पोल यूज़ होता है प्लांट्स के लिए, वही मॉस पोल इसमें भी लगा हुआ था। बट जब से मैंने इसका मॉस पोल चेंज किया है तो इसकी लीव्स का साइज कुछ ऐसा हो गया है, आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं। फ्रेंड्स, पहले इसकी लीव्स कितनी छोटी थी और अब इसकी लीव्स का साइज काफ़ी बड़ा हो गया है पहले से। नेक्स्ट प्लांट है सिंगोनियम एल्बो, जो कि लिया था मैंने अक्टूबर 23 में। पूरे 5 महीने हो चुके हैं इस प्लांट को मेरे पास और इन 5 महीनों में इस प्लांट ने डबल हाइट गेन कर ली है। जब ये मैंने प्लांट लिया था तो बहुत छोटा सा, हार्डली ये 3 फीट का प्लांट था और अब ये 5 फीट से भी ज़्यादा हो चुका है। और फ्रेंड्स, आप इस प्लांट की जो ये लीव्स देख रहे हैं, इसकी पुरानी लीव्स हैं, आप देख सकते हैं इनका साइज़ कितना छोटा था और जो न्यू लीव्स हैं वो अब ऑलमोस्ट डबल हो चुकी हैं। तो इस प्लांट के साथ भी मैंने क्या क्या चेंजेस किए, क्यों इन प्लांट्स की लीव्स का साइज़ चेंज हो रहा है, पहले स्मॉल लीव्स थी अब दोनों प्लांट्स में बड़ी लीव्स आ रही हैं, तो यही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ये सेवू ब्लू पोथोस की मैंने छोटी सी कटिंग खरीदी थी और उसे काफ़ी टाइम तक पानी में रखने के बाद जब उसमें अच्छे से रूट्स डेवलप हो गई तो उसे ट्रांसफ़र कर दिया चंकी सॉइल मिक्स में। मैं आपके साथ ये प्लांट पहले भी शेयर कर चुकी हूँ इस वीडियो में और आपको बताया था कि कटिंग्स की केयर कैसे करनी है पानी में, तो आप एक बार ये वीडियो फ्रेंड्स ज़रूर चेक कीजिएगा। चंकी सॉइल मिक्स में ट्रांसफ़र करने के साथ साथ मैंने इसको दिया है स्पैग्नम मॉस पोल का सपोर्ट। जी फ्रेंड्स, मैं यूज़ करती हूँ मेरे प्लांट्स के लिए स्पैग्नम मॉस पोल, रेगुलर मॉस पोल से ज़्यादा अच्छा काम करती है, बहुत इफ़ेक्टिव होती है और प्लांट्स इस पे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। फ्रेंड्स, ये जो स्पैग्नम मॉस पोल है वो मैं खुद से बनाती हूँ।
फ्रेंड्स, ये होती है स्पैग्नम मॉस, जो कि पूरी तरीके से नेचुरल होती है और ये आपको ऑनलाइन बहुत इजीली मिल जाएगी। ये आपको ब्रिक की फॉर्म में आएगी, आपको इसको पानी में सोक करना होगा और पानी में सोक करने के बाद ये पूरी तरीके से खिल जाती है और आपको इसको पानी में सोक करके गीला करके ही यूज़ करना है मॉस पुल बनाने के लिए। मॉस पुल बनाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ मैश वायर का। फ्यूचर में मैं एक पूरा डेडिकेटेड डिटेल वीडियो बना दूंगी कि आप ये मॉस पुल कैसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये स्पैग्नम मॉस पुल बहुत अच्छा काम करती है। इसका जो सबसे बड़ा एक तो बेनिफिट होता है कि ये ज़्यादा टाइम तक पानी को होल्ड करके रखती है, जिसकी वजह से प्लांट्स की रूट्स को ज़्यादा टाइम तक मॉइस्चर मिलता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट्स की लीव्स का साइज बड़ा करने में। जो रेगुलर मॉस पोल है उसमें प्लास्टिक पोल का यूज़ होता है और उसमें प्लास्टिक पोल के ऊपर ही कोकोनट फाइबर को रैप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो उसके अंदर प्रॉपरली नहीं जा पाती हैं। और स्पैग्नम मॉस फ्रेंड्स बिल्कुल इसके अपोजिट काम करती है। इसमें हम मैश वायर का यूज़ करते हैं और उसके अंदर हम स्पैग्नम मॉस को भरते हैं, जिसके अंदर प्लांट्स की रूट्स के पास पूरी जगह होती है कि वो स्पैग्नम मॉस पोल के अंदर जा सकती हैं और जब रूट्स इनके अंदर जाती हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक मॉइस्चर एब्जॉर्व कर पाती हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स की जो लीव्स का साइज़ है वो बड़ा होता है। जैसे कि फ्रेंड्स आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये रूट्स पूरी तरीके से स्पैग्नम मॉस पोल के अंदर जा चुकी हैं। कितनी बड़ी ये रूट्स हो रही हैं और ये अपनी जगह खुद बना लेती हैं। आपको सिर्फ प्लांट को प्रॉपर तरीके से मॉस पोल के साथ बांधना होता है, उनको एक डायरेक्शन देना होता है और उनको टाइम टू टाइम मॉस पोल को आपको पानी से गीला करते रहना है। डेली बेसिस पर गीला नहीं करना है, लेकिन हर दूसरे दिन आप इसको गीला करते रहिए स्पैग्नम मॉस पोल को। भले ही आप उसकी सॉइल में पानी मत दीजिए, लेकिन स्पैग्नम मॉस पोल पे आप मिस्टिंग करते रहिए। और फ्रेंड्स, ये सच में बहुत अच्छा काम करता है प्लांट्स के लिए। और आप देख सकते हैं जो रूट्स हैं पूरी तरीके से मॉस पोल के अंदर जा चुकी हैं। कितनी बड़ी ये हो रही हैं, ये अपनी जगह खुद ही ढूंढ लेती हैं, बस आपको इनको डायरेक्शन देना है। फ्रेंड्स, ये है इसकी एडियल रूट्स। जब ये बिल्कुल स्पैग्नम मॉस से चिपकी हुई रहती हैं तो ये रूट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होती हैं। आप देख सकते हैं कितनी सारी एरियल रूट्स इस पे डेवलप हो चुकी हैं और धीरे धीरे ये ग्रो होती जाएंगी स्पैग्नम मॉस पोल के अंदर, जिसकी वजह से प्लांट्स की जो लीव्स का साइज़ है वो और भी बड़ा होता जाएगा। फ्रेंड्स, ये प्रोसेस थोड़ा टाइम लेता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने आज स्पैग्नम मॉस पोल का यूज़ किया है तो अगले दिन से नहीं, लेकिन हाँ 10-15 दिन में आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छा काम करती है। थोड़ा सा ये आपको एक्सपेंसिव पड़ सकती है, क्योंकि जो कोकोनट वाली रेगुलर मॉस पोल है वो थोड़ी सस्ती आती है, ये स्पैग्नम मॉस पोल थोड़ा महंगी आती है, बट ये काम बहुत अच्छा करती है। आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सेवू ब्लू पोथोस की, जो मैंने आपसे शेयर किया था वीडियो के स्टार्ट में। फ्रेंड्स, वो दोनों प्लांट सेम हैं, सेम वैरायटी के हैं, बट दोनों की लीव्स में डिफरेंस था। वो इसीलिए था फ्रेंड्स क्योंकि उसको भी मॉस पोल का सपोर्ट दिया गया था, और जब प्लांट को हम प्रॉपर तरीके से सपोर्ट देते हैं स्पैग्नम मॉस पोल का, तो प्लांट्स की लीव्स आगे चल के फेनेस्ट्रेशन शो करने लगती हैं। जैसे कि मेरा ये सेवू ब्लू पोथोस है, स्टार्टिंग में इसमें कोई फेनेस्ट्रेशन नहीं था, लेकिन जैसे जैसे ये प्लांट बड़ा होता जा रहा है तो आप देख सकते हैं इसकी इस लीफ में भी फेनेस्ट्रेशन आने लगा है। तो आज से कुछ टाइम बाद इसका भी वही रिजल्ट होगा, इसकी लीव्स का साइज भी उतना ही बड़ा हो जाएगा और लीव्स में भी प्रॉपर फेनेस्ट्रेशन आ जाएगा। फ्रेंड, स्पैग्नम मॉस खरीदते टाइम आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान में रखना है वो है क्वालिटी का। फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपको कई टाइप के स्पैग्नम मॉस देखेंगे, जो कि कुछ तो होंगे 300 से 400 की रेंज में और कुछ होंगे 1000 से 1500 के रेंज में। तो आप अपना वर्किंग करके पूरी तरीके से तभी स्पैग्नम मॉस लीजिएगा, क्योंकि कई बार हम प्राइस कम देख के हम वो चीज़ ले तो लेते हैं बट उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, जैसा कि लास्ट टाइम मेरे साथ हुआ था। मैंने इंडिया से ऑनलाइन स्पैग्नम मॉस ऑर्डर कर दिया था, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इससे पहले मैंने कभी ऑनलाइन स्पैग्नम मॉस नहीं खरीदी थी। तो 300 से 400 की रेंज में था, मुझे लगा काफ़ी सस्ता है, जो कि मैंने बल्क में मंगा लिया, बट उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। पूरी डस्ट से भरी हुई स्पैग्नम मॉस थी, मिट्टी थी उसके अंदर, मींस मैं उसको डायरेक्टली मॉस पोल बनाने के लिए यूज़ कर ही नहीं सकती थी।
तो हमेशा अच्छी क्वालिटी का स्फैग्नम मॉस लीजिएगा। अगर आप अच्छी क्वालिटी का लेते हैं तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरी आती है, आपको उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप उसे सिंपल पानी में सोक कीजिए और आप डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हैं। स्फैग्नम मॉस पोल के अलावा तीन और ऐसे फैक्टर हैं जो मेरे इन प्लांट्स की ग्रोथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो फ्रेंड, पहला फैक्टर है सनलाइट। मैं अपने प्लांट्स को ऐसे स्पॉट पर रखती हूँ जहाँ उनको दिन भर की ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती है। फ्रेंड, सनलाइट बहुत ज़रूरी है हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। आप उनको ऐसे स्पॉट पर मत रखिए जहाँ उनको बिल्कुल भी लाइट नहीं मिले, लाइट मिलना बहुत ज़रूरी है। दूसरा फैक्टर है फ्रेंड पानी। अगर आप प्लांट को ओवर वाटरिंग करेंगे तो प्लांट के लिए वो भी अच्छा नहीं है, और अगर अंडर वाटरिंग करेंगे तो वो भी अच्छा नहीं है। मोस्टली प्लांट ओवर वाटरिंग की वजह से मरते हैं, जिसकी वजह से प्लांट की जो रूट्स हैं वो गल जाती हैं। तो प्लांट को आप पानी तभी दीजिए जब उसकी टॉप सॉइल 2 से 3 इंच अच्छे से ड्राई हो चुकी हो। फ्रेंड, तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है पेस्ट। आपको प्लांट्स को रेगुलरली चेक करते रहना है अच्छे से कि उन पे कोई पेस्ट अटैक तो नहीं हो रहा है, ताकि कि आप उसको टाइमली कंट्रोल कर सकें। और आप अब कैसे एक DIY सॉल्यूशन के थ्रू पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए आप एक बार ये वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारे प्लांट्स लगाते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्लांट्स केयर टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।